हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हिकअप्स यानी कि हिचकी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि हिचकी क्यों उठती है और इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जानेंगे। सही बात है कि इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हिचकी कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि हिचकी ज़्यादातर एसिडिटी की वजह से होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हिचकी हो सकती है। इसके अलावा कई बार टेंशन यानी कि डिप्रेशन की वजह से भी हिचकी होती है, और कभी कभी अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से भी हिचकी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी हिचकी हो सकती है किसी भी व्यक्ति को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि हिचकी में क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को इसमें सिरप म्यूसेन दिया जाता है, जो कि पेशेंट को 2-2 चम्मच दिन में 3 या 4 बार दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को टैबलेट डोर्टिकाइंड एम की यानी कि डोर्टाबेरिन की टैबलेट दी जाती है, क्योंकि कई बार हिचकी की वजह से पेट में पेशेंट को दर्द हो सकता है या फिर खिंचाव रहता है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए पेशेंट को डोर्टिकाइंड एम की टैबलेट देनी चाहिए। ये टैबलेट पेशेंट को दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। इसी के साथ साथ पेशेंट को टैबलेट बैक्लोफेन 10 mg की टैबलेट दिन में 3 बार देनी चाहिए, जो कि सुबह, दोपहर, शाम देनी चाहिए, जो कि मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिल सकती है, जैसे कि बैक्लोफ 10 mg जो कि इंटांस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, या फिर टैबलेट बैक्लोफ 25 mg यानी कि बैक्लोफेन 25 mg की टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। कई बार ये ट्रीटमेंट देने से भी पेशेंट को काफी कम आराम आता है या फिर बिल्कुल भी आराम नहीं आता, तो उस कंडीशन में पेशेंट को प्लोक्रोप्राजिन की टैबलेट सुबह शाम देनी चाहिए, जो कि मार्केट में आपको इमिकाइंड MD नाम से मिल जाएगी या फिर किसी अन्य नाम से भी आपको और मिल सकती है। इसी के साथ साथ पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज है, तो कब्ज की दवाई दी जाएगी, और अगर पेशेंट को ज़्यादा एसिडिटी बन रही है तो उसी हिसाब से पेशेंट को एसिडिटी के लिए एसिलोक 150 यानी कि रेंट्रेडिन 150 mg की टैबलेट सुबह शाम देनी चाहिए, या फिर कोई भी इसोमीप्राजोल या रेमीप्राजोल या फिर पेंटोप्राजोल का कैप्सूल या फिर टैबलेट दी जा सकती है, जो कि मार्केट में आपको पेंटो 40 या फिर किसी अन्य नाम से भी आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यही था हिकअप्स का ट्रीटमेंट। होप दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।